दो बीबीओ वाले यूट्यूबर ने रखा करवा चौथ, मतलब दोस्तों उनकी पत्नियों ने रखा करवा चौथ का व्रत। और ये यूट्यूबर और कोई नहीं, ये वही यूट्यूबर हैं जो बिग बॉस में भी अपनी बीवियों को लेकर हाईलाइट हुए थे। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरमान मलिक की। जी दोस्तों, व्रत तो सभी रखते हैं, लेकिन अरमान मलिक की पत्नियों संग फोटो देख अरमान मलिक हुए ट्रूथ। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अरमान मलिक दो बीवियों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, और दो बीवियों को साथ में रखने के लिए अरमान मलिक काफी ट्रोल भी होते हैं। लेकिन इस बार ट्रोल का मुद्दा कुछ और है। जी दोस्तों, बता दूं कि अरमान मलिक ने रविवार को अपनी दोनों पत्नियों संग करवा चौथ का त्योहार मनाया, और अरमान मलिक के लिए उनकी दोनों बीवियों ने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा, और दोनों पत्नियां करवा चौथ की विधि विधान से पूजा करते हुए भी नजर आई। और दोस्तों, अरमान मलिक ने एक एक करके दोनों पत्नियों का व्रत भी खुलवाया, और दो बीवियों वाले राजकुमार अरमान मलिक ने करवा चौथ का सेलिब्रेशन खूब धूमधाम से मनाया, और उनकी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की। जी दोस्तों, बीवियों संग रोमांटिक होते हुए दिखे अरमान मलिक, और जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की तो दोस्तों उन्हें यूजर्स ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। करवा चौथ पर एक साथ दोनों बीवियों का व्रत खुलवाने और उनके साथ रोमांटिक होने पर भड़क गए लोग। जी दोस्तों, सोशल मीडिया पर अरमान मलिक को फिर से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यूजर्स ने जब फोटो देखी तो यूजर्स उनके जूते पहनकर करवा चौथ की पूजा करने पर लोग अरमान मलिक और पायल मलिक को खरी खोटी सुनाने लग गए। जी दोस्तों, यूजर्स का कहना है कि चप्पल जूते पहनकर कौन पूजा करता है, पूजा करते समय तो चप्पल जूते उतार दो। जी दोस्तों, उनकी फोटो देख सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें फिर से ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही बिग बॉस OTT में उन्हें काफी ट्रोल किया गया था, अब फिर से वो ट्रोल होना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अरमान मलिक और उनकी बीवियों को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे फिल्मी शो में आपका स्वागत है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।